नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो अमेरिका में कपड़े धोने के लिए दो दो मशीन रहती है और ये दोनों वॉशिंग मशीनें सारे घरों में रहती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे ये दोनों मशीन क्यों रहती है, उसका फंक्शन क्या रहता है और वो कैसे काम करती है। तो बने रहिए आखिरी तक हमारे वीडियो के साथ। अगर आप यूएसए की लाइफस्टाइल, कल्चर, फूड, फेस्टिवल, रेस्टोरेंट या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं हमारे घर में कपड़े धोने के लिए दो मशीनें लगाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो मशीन लगाई हुई है। तो राइट साइड में जो मशीन है उसके बारे में पहले जानते हैं और बाद में लेफ्ट साइड वाली मशीन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन कपड़े धोने के लिए है। आप कपड़े ऊपर से डाल सकते हो, जो नॉर्मल इंडिया में जो वॉशिंग मशीन रहता है उसकी तरह ही रहता है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के सेटिंग्स रहते हैं, जैसे कि आपका लॉट साइज जो रहेगा, जैसे कि कपड़े ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो लार्ज पे रख सकते हो आप, अगर छोटे रहेंगे तो स्मॉल पे रख सकते हो। आप कौन से पानी से धोना चाहते हो, यानी कि गर्म पानी से, ठंडे पानी से या मीडियम वाटर से, तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े का डेलिकेट कपड़े कपड़े रहते हैं तो उसके लिए सेटिंग कर सकते हो। अगर हार्ड है या जीन्स या कोई हैवी है तो उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हो। और ये सब सेटिंग करने के बाद, कपड़े डालने के बाद, आप ये लिक्विड जो रहेगा या जो क्यूब आती है वो इसके अंदर डाल के आपको सीधा स्टार्ट दबाने का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाती है। तो बाद में चलिए जानते हैं कि उसके बाजू में जो ये मशीन है उसका फंक्शंस क्या रहता है। तो ये ड्रायर बोलते हैं, इसे वॉशिंग मशीन कहते हैं, और ये ड्रायर है। तो कपड़ा इसमें धोने के बाद इसमें सुखाने का रहता है, तो सारे कपड़े इसमें से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको दिखाते हैं, ये कपड़े सुखाने के लिए रहता है। तो अमेरिका में कपड़े बाहर पे नहीं सुखा सकते हो आप, तो आपको सुखाने के लिए एक ड्रायर सेपरेटली सारे घरों में रहता है। तो ये दोनों मशीनें रहती है आपके घरों में, और यहाँ पे आप अलग अलग तरह के सेटिंग्स कर सकते हो। तो आपको कितना चलाने का है, लेस मोर, या अगर आपको मिनट के हिसाब से चलाने का है तो आप मिनट के हिसाब से भी चला सकते हो। और ये सेटिंग करने के बाद आपको स्टार्ट बटन दबा देने का, तो आपका कपड़ा सुखाने का मशीन चालू हो जाएगा। तो ये दो मशीनें रहती है सारे घरों में रहती है, एक कपड़े धोने के लिए और एक कपड़े सुखाने के लिए। तो हम एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हम लोग जब भी नए इंडिया से यूएसए आए थे तो हम लोग अपार्टमेंट में रह रहे थे और हमने अपने कपड़े बालकनी उसके अंदर रस्सी डाल के सुखा दिए थे। तो जैसे ही हम लोगों ने सुखा दिए, कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को अपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गई कि आप कपड़े गैलरी के अंदर नहीं सुखा सकते हो। तो तभी जाके हमको पता चला कि यूएसए में कपड़े आप बाहर नहीं सुखा सकते। अगर आपको कपड़े सुखाने का है तो घर के अंदर ही सुखा सकते हो या ड्रायर यूज़ करके सुखा सकते हो। तो इसीलिए सारे अमेरिकन घरों में ये ड्रायर रहता ही है। अभी आपको पता चला रहेगा कि अमेरिका में कपड़े धोने के लिए दो दो मशीनें क्यों रहती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अमेरिका के बारे में जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।